फैसले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जिस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए यह कहा है कि स्विमिंग पूल में नहाने की इजाजत मुख्यमंत्री दे सकते हैं पर छठ पूजा की नहीं दे रहे। अगर वे छठ पूजा की अनुमति नहीं देते हैं तो प्रचंड आंदोलन करने का उन्होंने ऐलान किया है। दिल्ली में इस बार जो छठ पर्व बनाया जाएगा बीजेपी के द्वारा 70 विधानसभाओं में बनाया जाएगा। 70 विधानसभाओं में 7000 जगह से ज्यादा पे मनाएंगे। कितने हजार लोगों को जुड़ने की संभावना डीडीए में जिस स्टेट में होती है उस स्टेट के सरकार का प्रपोजल को ही डीडीएमए को मानना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल दूध के पानी पीना चाहते हैं, वो छठ का विरोध भी करना चाहते हैं, फिर उनके कुछ विधायक पीछे से दूसरी बातें करते हैं और फिर मामला ऐसा आता है कि नई नई दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया, अब तो पता चल गया। तो हम तो दिल्ली सरकार के कानों में बार बार ये बात डाल रहे हैं, कुछ समय हमने डाला, कुछ समय छठ समितियों ने डाला, फिर पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने डाला, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल एक प्रचंड प्रदर्शन करने का निर्णय ले लिया। हम सभी पूर्वांचलवासी छठ व्रती बहुत ही प्रसन्न हैं और मेरा आप सबके मार्फत से हर व्यक्ति से प्रार्थना है कि ऐसी संस्कृति विरोधी छठ विरोधी अरविंद केजरीवाल सरकार के विरोध करने के लिए कल जरूर शामिल होइए ताकि उनको बताएं हम कि छठ और संस्कृति पे चोट पहुंचाना कितना घातक हो सकता है।